हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हमने मटेरियल कंट्रोल चैप्टर स्टार्ट किया था। मटेरियल के कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कैसा हो, कौन कौन सी टेक्निक्स मटेरियल मैनेजमेंट के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हमने एक टेक्निक की कल बात करी थी, वेरियस स्टॉक लेवल्स, सामग्री के विविध स्तर, जिसमें चार लेवल की हमने अभी तक बात करी है। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल। आज इसी सीक्वेंस में हम नए पॉइंट की बात करेंगे, बी, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हिंदी में मितव्ययी आदेश मात्रा के नाम से भी जानते हैं, मितव्ययी आदेश मात्रा, या इसका हिंदी में एक नाम और है, पुनः आदेश मात्रा, रीऑर्डर क्वांटिटी। यस, आज अपना टॉपिक है आर्थिक आदेश मात्रा, मितव्ययी आदेश मात्रा। इसका मतलब क्या है? सामग्री की वह मात्रा जिसके लिए आदेश दिया जाना है, ताकि लागत न्यूनतम हो। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड सो दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। ये ईओक्यू का मतलब है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग है। सामग्री की वह मात्रा जिसके लिए आदेश दिया जाना है। इसको आप एक एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन समझ पाएंगे। हम यहां लेदर का कंजम्पशन कर रहे हैं डेली 10 to 20 kilo। हम शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जूते बनाते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल लगता है लेदर, एंड लेदर का कितना उपयोग हम डेली कर रहे हैं, 10 से 20 किलो। मान लो आपका मटेरियल कम होते होते रीऑर्डर लेवल पे आया। रीऑर्डर लेवल मतलब जब आपको ऑर्डर देना है, कानपुर में आपको फोन करना है कि हमको इतनी क्वांटिटी भेज दो, मटेरियल 500 किलो से 400 किलो, 300 किलो, 200 किलो, 100 किलो का लाया था, 100 किलो आपका रीऑर्डर लेवल था। आप जैसे ही मटेरियल 100 किलो पे आएगा, परचेज का एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। 100 किलो कल आपका रीऑर्डर लेवल था, जैसे ही 100 किलो आया आपको आपका परचेज एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने यहां से वहां फोन तो कर दिया कि इतना माल भेज दो, बट कितना माल भेज दो, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में माल मंगाएं, उसको ऑर्डर 500 किलो का दें, 1000 किलो का दें, या 10,000 किलो का दें, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर। कोई कहेगा देख लो सर, दे दो 500-600 किलो का दे दो, कोई कहेगा 400-500 किलो का दे दो, नहीं, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दें। ध्यान दें, अगर हम लेसर क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे, कम क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, बार बार माल को लाने ले जाने का खर्चा ज्यादा लगेगा,
हमें डिस्काउंट ऑफर भी नहीं मिलेगा। ज्यादा क्वांटिटी में अगर माल मंगाया तो भी प्रॉब्लम है, माल पड़ा पड़ा खराब होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह बहुत सारा खर्चा आपका होगा। तो ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दिया जाए, उसी क्वांटिटी को हम यहां पर इस नाम से जानते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच यू हैव टू प्लेस ऑर्डर, सामग्री की वह मात्रा जिसके लिए आप उसको ऑर्डर देने वाले हैं, आदेश देने वाले हैं, वही मात्रा को यहां आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा गया है। देखें ये लैंग्वेज आपको अब समझ आएगी। सामग्री की वह मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जिसके लिए आदेश दिया जाना है, फॉर विच ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड, तो सामग्री की वो मात्रा जिसके लिए आदेश देना है। देखो इंग्लिश में एक नाम और है, ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, इंग्लिश में भी यही नाम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी आपका ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, बट ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए ये इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बोले तो चीपर, ताकि लागत न्यूनतम हो, सो दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ताकि लागत को हम कम कर सकें, ना तो ज्यादा क्वांटिटी ना कम क्वांटिटी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दिया तो भी नुकसान, कम क्वांटिटी में ऑर्डर दिया तो भी नुकसान। तो ऑर्डर होना चाहिए ऑप्टिमम क्वांटिटी का, इकोनॉमिक क्वांटिटी का, उसी को यहां पर क्या नाम दिया गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें ये डिटरमाइन कैसे होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए आप ये एक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। आप ईओक्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये फॉर्मूला लिख लें, 2CO अपॉन UI, ये ईओक्यू का फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इनका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, सी मतलब एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक उपभोग, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, प्रति आदेश लागत, यू बोले तो रेट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत, एंड लास्ट आई बोले तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, संग्रहण लागत का प्रतिशत। अच्छा यूआई को अगर कंबाइंड अगर अपन बोलना चाहे तो प्रति इकाई वार्षिक संग्रहण लागत, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जैसे ब्याज, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, etc. यस, अब इन चारों पॉइंट्स को समझ लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां से कानपुर कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दें, इसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है, 2C। सी का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन बोले तो आप साल भर में लेदर की कितनी क्वांटिटी का उपयोग करने वाले हैं, साल भर में कितना मटेरियल का उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उसको यहां पर क्या नाम दिया गया है, सी। सी बोले तो कंजम्पशन, कंजम्पशन भी महीने का नहीं, वीक का नहीं, एनुअल होना चाहिए पूरे साल भर का। आप लेदर शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो लेदर आप काम में लेंगे तो साल भर में एनुअल कंजम्पशन आपका कितना होगा। ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
प्रति आदेश लागत। आज आपने यहाँ से कानपुर फ़ोन किया कि हमें 500 किलो या 600 किलो जितना भी क्वांटिटी मंगाना है उतना क्वांटिटी भेज दो, ऑर्डर देने पर आपका खर्चा कितना होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑर्डर देने के लिए कुछ प्रोसेस से भी होकर के गुजरना होता है। तो एक बार यहाँ से कानपुर ऑर्डर देने पर आपका खर्चा कितना होगा, फ़ोन करना हो या कोई लेटर बनाना हो, कॉरियर से, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड एडी से आपको भेजना हो या ईमेल करना हो, तो एक बार ऑर्डर देने पर कितना खर्च होगा, उसी को यहाँ पर क्या नाम दिया है, ऑर्डरिंग। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, प्रति आदेश लागत। एक आदेश देने पर, एक बार ऑर्डर देने पर कितना कॉस्ट लगेगा। मान लेते हैं कि आप एक बार यहाँ से कानपुर ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने पर ₹50 खर्च होते हैं। सी बोले तो कंजम्पशन, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट बोले तो आप जो कानपुर से लेदर मंगा रहे हैं वो एक किलो किस रेट में आएगा, क्या रेट है उसका, प्रति इकाई लागत क्या है। एक किलो लेदर आप लाओगे तो आपको ₹20 में मिलेगा, ₹20 किलो, ₹20 किलो, तो ₹20 आपका क्या हो गया, यू रेट पर यूनिट। आई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। आप वहां से लेदर लेके तो आ गए, अब ये लेदर को आपको स्टोर करना पड़ेगा स्टोर रूम में, भंडार गृह में। अगर मटेरियल आप स्टोर रूम में रखेंगे तो कितना परसेंट खर्चा आपका एक साल का होगा उसके कॉस्ट का। मान लो ₹20 किलो लेदर आता है, उसको एक साल तक आप यहाँ संभाल के रखेंगे, 10% उसका खर्चा होता है कैरिंग कॉस्ट, संग्रहण करने का, उसके सार संभाल करने का, उसको स्टोर करने का 10% कॉस्ट लगता है। तो जितना भी परसेंट उसका कॉस्टिंग लगेगा स्टोरेज का, उसको यहाँ क्या नाम दिया गया है, आई। आई बोले तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंट, संग्रहण लागत का प्रतिशत। और लास्ट यू आई कंबाइंड में कर लो, यू है 20, आई है 10, तो यू आई कितना हो जाएगा 2। 20 × 10% तो 20 × 10% हो जाएगा 2। अब ये ₹2 को आप किस नाम से जानेंगे, प्रति इकाई वार्षिक संग्रहण लागत, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक किलो लेदर एक साल तक वार्षिक, एनुअल, एक साल तक अगर गोडाउन में संभाल के रखें तो कितना खर्चा लगेगा। एक किलो मटेरियल एक साल तक अगर आप स्टोर रूम में रखेंगे तो आपको कितना खर्चा लगेगा, टोटल ₹2। तो ये चारों शॉर्टकट, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान से देख लें, 2CO/UI। सी बोले तो एनुअल कंजम्पशन, एक साल का उपभोग, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने पर आपका कितना खर्चा होगा, यू बोले तो रेट पर यूनिट, एक किलो लेदर कितने रुपए में आएगा, आई बोले तो कोई भी परसेंटेज, कितना परसेंट उसका स्टोरेज का, संग्रहण का, कैरिंग का लगेगा, और यू आई दोनों का कम्बाइंड, एक साल तक एक यूनिट को संभाल के रखने का कितना खर्चा लगेगा। अब इस गिवन एग्जांपल में आप ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, 2 × C, सी बोले तो एनुअल कंजम्पशन, कितना है एनुअल कंजम्पशन, 2000 × O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज 50, यू आई हमने अभी निकाला था 2, बस इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपका ईओक्यू आ जाएगा जो भी आता है। मान लो कैलकुलेशन पर 500 किलो आया, अब जो भी आएगा 316 या जो भी आता है वो आ जाएगा, आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, इक्वल टू जो भी आया, देन अंडर रूट पे क्लिक करें, जो भी अमाउंट आता है वो आ जाएगा, 316 समथिंग कुछ आएगा। अभी मान लो ईओक्यू आपका कितना आ गया, 500 किलो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से कानपुर जो फ़ोन करना है, ऑर्डर देना है, वो 500 किलो का ही देना है, ना तो इससे कम देना है और ना ही इससे ज़्यादा देना है।
ये क्वांटिटी आपकी इकोनॉमिक क्वांटिटी है, इससे आपको फायदा होगा, आपकी लागत न्यूनतम रहेगी। तो आई थिंक कि ये आज का नया पॉइंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको समझ में आया। एक बार वापस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आप यहाँ से जो कानपुर फोन करने वाले हैं कि कितना किलो मटेरियल आप मंगाएं, तो जितनी क्वांटिटी के लिए आप उसे फ़ोन करेंगे, ऑर्डर देंगे, उसी क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा गया, ताकि आपकी लागत कम से कम हो। इस फॉर्मूले से अपने को ईओक्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2CO/UI। सी बोले तो एनुअल कंजम्पशन, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यू बोले तो रेट पर यूनिट, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। यहां एक चीज और समझ लें, अभी एक इकाई को एक साल तक संभालने का 2 रुपया तो लगा, 10% तो ये आया। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आपको कहेगा इंटरेस्ट के भी 1 रुपया लगेगा और 1 रुपया इंश्योरेंस का लगेगा। जो लेदर आपने यहाँ गोडाउन में लेकर के आए, उसको संभाल के रखने के लिए 1 साल का 1 रुपया तो ब्याज लगेगा और 1 रुपया बीमा प्रीमियम लगेगा। तो ध्यान दें, यहाँ UI 20 का 10% 2 तो है ही, साथ में ये 1+1 2 रुपये भी इसमें जोड़ने हैं, और UI आपको कितना लिखना पड़ेगा, 4 रुपये। 10% तो आपका कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है, ये तो है ही। इसके अलावा 1 रुपया 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 रुपया बीमा प्रीमियम लगेगा, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, UI 2 और 2 4 रुपये। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × C एनुअल कंजम्पशन × O/UI। UI अभी आपको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये तो परसेंटेज से कैलकुलेट करके आया, इसके अलावा 1 रुपया बीमे का और 1 रुपया ब्याज का, इसका अंडर रूट निकाल लें, जो भी आता है वो आपका EQ। तो ये फर्स्ट पॉइंट आर्थिक आदेश मात्रा कंप्लीट हुआ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और एग्जाम्पल सभी आपको एक साथ मिल जाए। यस, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर। इन ए ईयर, प्रति वर्ष आदेशों की संख्या। ये कुछ जनरल पॉइंट है, एक दो फॉर्मूले, इसको समझें आप। EOQ का मतलब आप समझ चुके हैं, प्रति वर्ष जो आप ऑर्डर देने वाले हैं, एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी आप मंगाएंगे उसकी मात्रा। अभी EOQ हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया था, 500 किलो। कितना आया था, 500 किलो। एनुअल कंजम्पशन अपना कितना था, 2000 किलो। EOQ कितना आया अभी, 500 किलो। EOQ का मतलब बड़ा अच्छे से आप लोगों को आना जरूरी है, ये आएगा तो आगे आप कुछ समझ पाएंगे। फॉर्मूला नहीं, इसका मीनिंग। EOQ का मतलब मैं कभी भी आपको पूछूं तो माइंड में इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ से कानपुर जो आप फोन करेंगे, कितना किलो लेदर मंगाना है। बताओ इस गिवन एग्जाम्पल में कितना किलो लेदर एक बार में आप मंगाएंगे, 500 किलो। साल भर में कितना कंजम्पशन रिक्वायर्ड है, 2000 किलो। एक साल में 2000 किलो आपको मटेरियल मंगाना है। एक बार फोन करेंगे तो कितना मटेरियल आएगा, 500 किलो। बताएं आप कानपुर वाले को कितनी बार साल में फोन करेंगे कि आपका कंजम्पशन फुलफिल हो जाए। यस, नेचुरली 4 टाइम्स। क्यों, एक बार में आप फोन करेंगे 500 किलो आएगा, देन 500 किलो, एंड यू रिक्वायर्स
टोटल 2000 किलो, तो चार बार ऑर्डर देने पर आपकी पूर्ति हो जाएगी। हाउ मैनी ऑर्डर्स इज टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, एक साल में कितने आदेश दिए जाएंगे, चार। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ही अपना यही है, प्रतिवर्ष आदेशों की संख्या, इसका भी फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला आपको खुद को बनाना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, अभी आपने बताया इसमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको, चार। चार कैसे आ रहा है? यस, बिल्कुल सही, इसमें इसको डिवाइड कर दें, सी डिवाइडेड बाय ईओक्यू। सी है 2000, ईओक्यू 500, तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, चार। लेकिन मान लो अगर आपका ईओक्यू 1000 किलो हुआ, एक बार आदेश देने पर आप 1000 किलो माल मंगाते हो, साल भर में 2000 किलो रिक्वायर्ड है, बताओ कितनी बार आप उसको फोन करेंगे? सिंपली दो बार। अगर आप, अच्छा देखो फॉर्मूला भी प्रूव हो रहा है, सी अपॉन ईओक्यू, 2000 अपॉन 1000, तो टू टाइम्स। अगर 100 किलो का आप ऑर्डर देते हैं एक बार में, एक बार फोन करेंगे 100 किलो मटेरियल आएगा, तो बताओ साल भर में आपको कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? नेचुरली 20 टाइम्स, 2000 अपॉन 100, तो कितनी बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, 20 टाइम्स। तो ये नेक्स्ट अपना पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, एक साल में कितने आदेश दिए जाएंगे। और आज का लास्ट पॉइंट है दो आदेशों के बीच की अवधि, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। दो आदेशों के बीच की अवधि, इसमें भी फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, इसको समझेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप फॉर्मूला बना पाएंगे। दो आदेशों के बीच की अवधि, अभी अपना ईओक्यू कितना आया था, 500 किलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए थे, चार, फोर ऑर्डर्स। आपको साल भर में कितने ऑर्डर देने हैं, चार ऑर्डर देने हैं। एक बार में 500 किलो का ऑर्डर देते हैं तो 2000 किलो तक के लिए आपको चार ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, इन ए ईयर देयर आर 12 मंथ्स, 12 महीने होते हैं। साल भर में आपको कितने ऑर्डर देने हैं, चार ऑर्डर देने हैं, बताओ कितने कितने महीने में आप उनको ऑर्डर देंगे। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में टाइम गैपिंग कितना होगा, कितना डिफरेंस होगा, देखते हैं। साल भर में 12 महीने और कितने ऑर्डर देने हैं आपको, चार, बताओ कितने कितने महीने बाद आप ऑर्डर देंगे। क्या चारों ऑर्डर आज कल परसों तरसों दे दें, कितने कितने महीनों का गैप रहेगा? बिल्कुल सही, तीन तीन महीने का, साल भर 12 महीने हैं, हर तीसरे महीने आपको ऑर्डर देना है, तीन महीने में, फिर अगले तीन महीने में, फिर अगले तीन महीने में। मान लो, चलो तो इसका फॉर्मूला बता सकते हैं आप, क्या फॉर्मूला रहा, तीन कैसे आया, 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12 में चार का भाग लगाएंगे तो तीन तीन महीना। इसको देखो और अच्छे से आप समझ लें एक ही मिनट में। अभी मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं दो, साल भर में आपको केवल दो ही ऑर्डर देने हैं, कितने ऑर्डर, दो, बताओ आप कितने कितने महीने बाद देंगे। बिल्कुल छह छह महीने बाद, साल भर में 12 महीने, तो हर छठे महीने में आपको ऑर्डर देना रहेगा, तो 12 में दो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स। अगर दिन में बात कर रहे हैं अपन कि कितने कितने दिन बाद ऑर्डर देंगे, तो 365 में नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आप भाग लगा दें तो आपको ये संख्या दिनों में मिल जाएगी कि कितने दिन बाद आपको ऑर्डर देना है। तो आज हमने ये फिर नए तीन पॉइंट देखे हैं, पहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देना है,
दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर एंड थर्ड टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आप अच्छे से इन फॉर्मूलाज को डेली याद कर लें, फिर नेक्स्ट नई क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले लें, ताकि तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाए।